Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak and today we are going to see the structure of SO2 and also physical property of SO2. Okay, so first of all see the structure. Structure of H2SO4 sulfuric acid का जो structure है वो देखेंगे. After that we will going to discuss about the its a physical प्रॉपर्टी. ओके चलो, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लेते हैं हम एक बार. जो H2SO4 है उसमें हमें पता है कि हमारे पास है सल्फर. ओके, उसके पास है दो डबल बॉन्ड O और एक है S डबल बॉन्ड O. ओके, साथ ही में क्या है तो OH एंड वन O. ओके, अगर आप उसे ज्वाइन करोगे देन यू विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक टेट्राहाइड्रल. ओके, आपको उसे क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है. तो ये इसके जैसा स्ट्रक्चर हो गया, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर हो गया. ओके, यहाँ पे जो आपकी डबल बॉन्ड की हम नीचे लिख लेते हैं उसका जो सेप है. ओके, वो कैसा हो जाएगा तो पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं. हाइब्रिडाइजेशन तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3. किसका? सल्फर के हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं हम. ओके, उसका जो सेप है वो हो जाएगा टेट्राहाइड्रल. ओके, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो सेप हो जाएगा टेट्राहाइड्रल. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास दो डिफरेंट तरह के बॉन्ड है, S डबल बॉन्ड O है और S सिंगल बॉन्ड O है. ओके, तो ये जो S डबल बॉन्ड O है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ S डबल बॉन्ड O उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो हो जाएगी 142 पिकोमीटर. और जो S सिंगल बॉन्ड O है, ओके, यहाँ पे जो है S सिंगल बॉन्ड O उसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी 157 पिकोमीटर. ओके, तो ये हो गया आपका सल्फर का स्ट्रक्चर. यू कैन ऑल्सो राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. वहां पे आपको सिर्फ ये करना है कि जो OH है, ओके, ये जो पोजीशन है आपको उनको चेंज करना है पूरे स्ट्रक्चर में. यू कैन चेंज दैट पोजीशन ऑफ OH. ओके, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे आप ट्रांसफर करवा सकते हो, ये यहाँ पे आ जाएगा, OH की पोजीशन यहाँ पे चली जाएगी. ओके, एंड उसी तरह से यू कैन राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4. नाउ वी विल सी द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4. ओके, चलो, उसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है H2SO4 इज कलरलेस, डेंस, ऑयली लिक्विड. ओके, वो कैसा है तो कलरलेस है, डेंस है, ओके, विस्कस है एंड ऑयली लिक्विड है. ओके, फिर उसकी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 611 केल्विन और यू कैन से दैट 338 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट इज 283 केल्विन और यू कैन से दैट 10 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ हियर यू कैन सी दैट कि जो H2SO4 है उसका मेल्टिंग पॉइंट तो 10 डिग्री है लेकिन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है. उसका रीजन क्या है तो H2SO4
कैन असोसिएट, कैन एसोसिएट बाय बाय द इंटरमोलेक्यूलर इंटरमोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, जो H2SO4 है उसके दो मॉलिक्यूल बाय द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं, एसोसिएट होता है, उसका एसोसिएशन पॉसिबल है और उसी वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है. ओके, कैसे एसोसिएट होता है वो हम देख रहे थे यहाँ पे कि सपोज आपके पास क्या है, तो H2SO4 है. ओके, नाउ सी के उसमें कैसे होगा ये, तो आपके पास ये पहला हो गया. ओके, H2SO4 जिसमें डबल बॉन्ड O है दो, और हो गया आपके पास OH. ओके, OH. उसी तरह से हम दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, AS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH OH. नाउ हियर यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो है वो आपके पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, सॉरी यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है. ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा, तो एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा और उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, उसी तरह से कंटिन्यू होगा, यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. सही है, मतलब कि जो H2SO4 है वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं. ओके, एंड ड्यू टू दैट इट हैविंग अ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड आल्सो इट इज़ अ वेरी विस्कस और यू कैन से डेंस इन अ नेचर. ओके, तो ये हो गई आपकी सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी. नाउ द थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4, इट इज़ हाईली It is highly corrosive and produce severe burn on the skin. ओके, कि स्किन के ऊपर पड़ते ही वो स्किन को क्या कर देगा, बर्न कर देगा, इतना ज़्यादा कोरोसिव है, क्योंकि वो क्या है, वो गुड डिहाइड्रेटिंग इन नेचर है. ओके, तो जैसे ही स्किन पे पड़ेगा वो अपने स्किन का सारा मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेगा और उसी वजह से क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है. ओके, एंड द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, इट डिसॉल्व इन वाटर, इट डिसॉल्व in water with the evolution of large amount of heat. ओके, कि वो वाटर में डिसॉल्व तो होता है बट बाई द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, मतलब जो वाटर किस अंदर उसका डिसॉल्व होना है वो किस तरह की रिएक्शन है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी. ओके, कि जब भी वो वाटर में डिसॉल्व होगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा और उसी वजह से क्या होता है, दिस इज वाई water is not added to concentrated H2SO4 for its dilution rather H2SO4 is added slowly to water. ओके, कि जब भी आपका H2SO4 का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में से डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्म करना है, देन
एक्चुअली हम क्या करते हैं, तो जो भी सॉल्यूशन को आपको डाइल्यूट करना होगा तो उसी में हम वाटर ऐड कर देते हैं। बट जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर ऐड करोगे तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, वो बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ड्यू टू दैट जब भी आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्म करना है, यू हैव टू नेवर ऐड वाटर इन दैट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ओके? नहीं तो वो पूरा आपकी बॉडी के ऊपर भी उछल के उठ सकता है, ओके? आ जाएगा। तो आपको कभी भी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के अंदर वाटर ऐड नहीं करना है। लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन फॉर्म करना है डाइल्यूटेड, देन यू हैव टू टेक अ वाटर इन सम कंटेनर एंड आफ्टर दैट बाय ड्रॉप, ओके, बाय द सरफेस यू हैव टू ऐड द H2SO4 स्लोली। तभी आप उसी तरह से क्या फॉर्म कर सकते हो, तो उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हो। अगर आप H2SO4 के अंदर वाटर ऐड करने गए तो वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन हो सकती है, बिकॉज द ड्यूरिंग रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में हीट रिलीज होती है, ओके? तो ये हो गई आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द रीजन बिहाइंड इट, ओके? उसके हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का, और उसका जब डाइल्यूशन है तब क्यों हम H2SO4 में वाटर ऐड नहीं कर सकते हो उसका। इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन आवर कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर द माई नेक्स्ट वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4। थैंक यू।